आपका ये है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखो ये है स्वर वर्ण और आ ए दीर्घ ए उ उ रि ए ए ओ औ। हमारे यहाँ ये स्वर वर्ण है। ये स्वर वर्ण कुल कितने हैं? कुल 11 हैं। कुल स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण देखो कौन कौन से हैं? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म। तो आप लोग भी पढ़ो। चलिए क्या नाम है आपका? हाँ दीपंजन, खड़े हो जाइए। आप भी बोल बोल को पढ़िए। तो हाँ बोल बोल पढ़िए। क ख ग घ व च छ मलग च छ व ज ज झ ञ त थ ड ढ प। अड़ा, इसको क्या पढ़ेंगे? अड़ा 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 ता थ द झ दन दन ना। तो कहेंगे इसको ना ना क ख व व ह म। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या नाम है आपका? आइए ये बताइए क्या है ये सब? ये सब क्या है? हाँ स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है। वेरी गुड। आप स्वर वर्णों को पढ़िए। हर्षौ हर्ष्व उ दीर्घ उ रि ए ए ए ओ ओ ओ ओ। ठीक है ओके। तो ये आपके हैं, ये है स्वर अ आ हर्ष्व इ दीर्घ इ हर्ष्व उ दीर्घ उ रि ए ए ओ आओ। ये 11 क्या है? स्वर वर्ण है। और ये जो स्वर वर्ण है इनकी मात्राएं इन व्यंजन वर्णों में हम लगाते हैं और इसके बाद क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। शब्द बनाते हैं। तो देखिए ये मात्राएं हैं, हमने इसमें से कोई एक वर्ण बताओ चुन लिया जाए। देखो एक वर्ण को हमने चुन लिया। अब हमने इस वर्ण को चुना, अब इसमें हम स्वर की मात्राएं लगा रहे हैं। तो देखो कैसे मात्राएं लगा रहे हैं। आपकी कोई मात्रा नहीं होती है तो ब ब आकार बा ब इकार बी ब इकार बी ब उकार बू ब उकार बू ब में रिक बदल गए ब्री ब एकार बे ब एकार बे ब ओकार ओ ब ओकार ओ। हम यही मात्रा लगाते हैं। ठीक है। और यहाँ देखिए ये आपके अयोग वाह है तो कहीं कहीं आप देखिएगा ये क्या है ब में आप ऐसे लगाए। इसको आपने क्या कहा? अनुस्वार। तो ब अनुस्वार बंग जैसे हुआ बंगाल है ना बंगाल। अब हमें बंगाल लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ग हम चुन लेंगे यहां से। क्या चुन लेंगे?
ग, और ग में हम किसकी मात्रा लगा देंगे, तो ब अनुस्वार बंग, और ग में आ की मात्रा लगा दिए, क्या हो गया बंग गा। और यहाँ देखो आप लोग अंतस्थ वर्ण देख रहे हो ना, ये ल, तो इस ल को हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या हो गया ये बताओ आप लोग, बंगाल, एक शब्द बन गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं व्यंजन वर्णों और स्वर वर्णों के मेल से हम शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी शब्द बनाना सीखोगे, ठीक, ओके। अब इसके कई हैं चीजें, देखो व्यंजन वर्णों को हम बांट दिए, इन जो 25 वर्ण है इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण। ये कितने हैं कुल, कुल 25 हैं, स्पर्श वर्ण कितने हैं, 25 वर्ण। और ये य र ल व ये सब क्या है, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण है य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ वर्ण। और ये देखो तालाब, इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, श श स ह, आप लोग भी बोलो श स ह, एक बार फिर से ध्यान से सुनो और इसके बाद बोलोगे श, बोलो श श स ह, ओके। और ये आपके व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। ये दो व्यंजन वर्ण कौन कौन से होंगे जिनके मेल से ये बने हैं, हाँ बताइए, का और पेट कड़ा मध्यम सुर है ना, हाँ, हाँ, उसके मिलने से ओ, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो आपका वर्ण है ये आपका बना है किससे, दो वर्ण है क और आपका ख, ठीक है ना, ये वर्णों के मिलने से ये बना है आपका। उसी तरीके से आप जरा बताइए ये किन वर्णों के मिलने से बना है, कोई बताना चाहेगा क्लास में, वेरी गुड बताइए, फिर से बोलिए, नहीं ये हाँ ये है ज और या, ओके, ज और या, ज और या मिलके आपका यह हो गया। और ये कौन कौन से वर्ण के मिलने से बने हैं बताइए आप लोग, कोई और गर्ल्स को बताना चाहता है, गर्ल्स कोई ट्राई करो, कोशिश करो, ये बताओ, अच्छा कोई लड़की, हाँ बोले हो, कह रहा हूँ मैं, नाम बताइए, हाँ सोमी, ठीक है, हाँ बताइए क्या है इसमें कौन कौन सा वर्ण है, वेरी गुड, त और र, इन वर्णों के मिलने से बना है। तो बताओ कि हमने जो यहाँ पर वर्ण लिखा है इसमें स्वर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, अब आप लोग बताओगे स्वर वर्ण इसमें है या नहीं है, वेरी गुड, स्वर वर्ण है। यदि स्वर वर्ण नहीं होता तो हम कैसे लिखते, तो हम लिखते इसको कैसे, जैसे क है तो इसमें स्वर मिला हुआ है क, और कौन सा स्वर है इसमें, हाँ तब जाकर क्या हुआ है क, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर जब आप लोगों को आपका कह रहा देखे तो यहाँ पर क्या है, आपकी मात्रा यहाँ नहीं हमने लगाया, क्योंकि आपकी मात्रा सब में लगी हुई है, ठीक है। तो अब आपसे यदि एक प्रश्न पूछे, चलिए बताइए कि अंगूर में या अनार में कितने वर्ण हैं, अनार में कितने वर्ण होंगे, अनार में कितने वर्ण होंगे, वेरी गुड, कौन कौन सा वर्ण होगा, एक मिनट, चलो बता, ट्राई करो।
अरे कोई बात नहीं, ट्राई करो, नहीं आओ कोई बात नहीं, अनार देखो यहाँ पे, इसका वर्ण जो है भी छेद करो, ट्राई करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अच्छा से लिख रहे हो। आओ से हाँ ठीक है, हाँ हाँ ऐसे कितने हो गए, हाँ 1 2 3 4 5 वेरी गुड वेरी गुड। इसको और अच्छा से कर देते हैं चौक भैया, हाँ इसको और अच्छा से कर देते हैं। आ ना आ यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, देखिए इसको करते हैं आ न आ र है ना, ये पांच वर्ण मिलकर के आपका एक वर्ण बना अनार। कौन सा वर्ण बना, अनार। तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे जो है ये वर्णों के मेल से शब्द बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की मात्राएं और इन मात्राओं को हम व्यंजन वर्ण में लगा करके जो ककहरा तैयार कर रहे हैं और फिर उनसे हम क्या कर रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। तो आपसे यदि कहा जाए कोई शब्द बनाने के लिए तो बना सकते हो ना, क्या करना होगा शब्द बनाने के लिए, हमें जिनको चुनना है इसमें से चुन लेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें स्वर की मात्राएं लगाएंगे। अच्छा कहीं कहीं यह भी मात्रा लगती है, कहीं कहीं पर ये भी लगती है चंद्र बिंदी, इसको क्या कहते हैं, और अनुनासिक, और ये क्या है अनुस्वार। ये भी आप व्यंजन वर्ण में लगाते हो, जैसे अंगूर, जैसे क्या कहते हैं अंगूर, आते हैं आपको अंगूर, और घर में होता है आंगन, ठीक ना। तो ये चंद्रबिंदी और अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन और वर्ण बनाना, वर्ण के बाद शब्द बनाना हम लोग सीखेंगे। वर्णमाला से हम लोग अवगत हो गए, अब हम लोग अगली कक्षा में शब्द बनाना सीखेंगे। धन्यवाद। अभी तक आप लोग देख रहे थे अपने मनोरंजन सर से क्लास 6 का 2022 में जो बच्चे लोग आए हैं उनका पढ़ाई, जस्ट ये लोग बंगाली है इसलिए बहुत सारे टाइम में आप लोग भी देखिए उच्चारण के टाइम में भी बंगला जवान आ जा रहा था। तो सर हमारा मनोज राय सर बहुत अच्छा से बच्चे लोग क्लास ले रहे थे, और अभी आप लोग जो देख रहे हैं मेरा चैनल जीनू काशेट में, ऐसा ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, तो भविष्य में बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग प्रेजेंट करते रहेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए मेरा चैनल जीनू काशेट।